हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है हमारे पास। और सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास रहेगी वो रहेगी कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड। ठीक है, यदि आप न्यू बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पास लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी, इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी मिलेगी और भी टॉपिक मिलेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक के प्यार सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है सबसे पहले वाली, वो क्या डेफिनेशन हमारे पास रहेगी कि कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड। अब क्या होता है, हमारे पास एक कर्व होती है, हमारे पास स्टूडेंट्स एक कर्व होती है हमारे पास। अ कर्व इज सेट टू बी कनकेव अपवर्ड, आप उसको कह सकते हैं, या फिर उसको हम कन्वेक्स डाउनवर्ड कहते हैं। एक कर्व कर्व हम ले रहे हैं किसी ओपन इंटरवल एवी के ऊपर। अब कब उस कर्व को हम कह पाएंगे कि वो हमारे पास कनकेव अपवर्ड है? कंडीशन दी है डेफिनेशन के अंदर कि इफ ऑल दी पॉइंट्स आपके पास ऑफ द कर्व, उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे लाई करने चाहिए अबव एनी टेंजेंट टू इट ऑन दैट इंटरवल। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक अभी मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लगा था पहले जब मैंने नहीं दिखा तो पता नहीं ये क्या होगा, लेकिन देखो उसकी जो डेफिनेशन वो सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रही है। तो ये कितना ईजी रहता है ना हमारे लिए, एक कर्व करनी है तो आपके अगर प्लॉटिंग करेंगे हम तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। आपके पास बहुत सारी कर्व हो सकती है, ऐसे कर्व हो सकती है, वैसे कर्व हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से हो सकती है। इन सभी कर्व के अंदर से हमने एक ऐसी कर्व जो आती है स्पेशल काइंड की कर्व है राजे, जो स्पेशल होते हैं उनको स्पेशल नेम होता है। मान लो ये कर्व है, ठीक है, और हमने ए भी, तो मान लो इस पॉइंट के ऊपर यदि हम एक्स की वैल्यू चेक करें तो मान लो जी हमारे पास ए पॉइंट है, और किसी कोई और पॉइंट पकड़ लो, मान लो जे पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास बी है, तो हमने ए और बी के अंदर बात कर रहे हैं इस कर्व की, ठीक है। अब इस कर्व की खासियत क्या है, इसकी जो विशेषता क्या है कि यदि आप इस कर्व इन दो पॉइंट के अंदर, इस कर्व के अंदर कोई भी एक पॉइंट टारगेट करो, जो मैंने पॉइंट टारगेट करा, अब इस पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आपकी टेंजेंट होगी, ठीक है। अब टेंजेंट हमारी ये होगी इस पॉइंट के ऊपर, यदि आप इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यदि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस प्रकार से, सॉरी तो जी मैंने थोड़ी सी रॉन्ग होगी, तो वो कुछ इस प्रकार से आपके पास निकल जाएगी आगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इस जो आपकी कर्व है उसकी खासियत क्या है कि आप उस कर्व के अंदर से, ए बी इंटरवल के अंदर से कोई भी एक पॉइंट टारगेट करते हो और उस पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आप क्या देखते हैं कि जो आपकी कर्व दी हुई है, पहले से दी हुई आपकी कर्व है, उसके जो रिमेनिंग पॉइंट है सारे के सारे जो पॉइंट है उसके, जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये कर्व आपकी इस प्रकार से है, इस प्रकार से, इस प्रकार से है, तो उस कर्व के सारे पॉइंट उस टेंजेंट से अबव लाई करते हैं। दैट इज आपके पास क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व लाई अबव एनी टेंजेंट टू इट ऑन द इंटरवल। आप उस इंटरवल के अंदर से कोई भी पॉइंट पकड़ कर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपकी टेंजेंट उस कर्व से नीचे रहेंगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो कर्व के पॉइंट है वो उस टेंजेंट के ऊपर लाई करेंगे, तब इस प्रकार की जो आपकी कर्व होगी उसको हम बोलेंगे कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड। बोलो समझ में आया नहीं यार, थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ। इस प्रकार की कर्व रहती है, आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट आपका नीचे रहता है और इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट रहते हैं किसी इंटरवल एवी के अंदर, वो सारे के सारे पॉइंट आपके ऊपर जो लाई करते हैं वो अबव द टेंजेंट लाई करते हैं। यदि ऐसी कर्व है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड, ये हो जाएगा। अब इसका उल्ट भी होगा, जहां पर इसका चेंज भी होगा। अब हमारे पास क्या है, कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड। देखो ध्यान से, पहले के अंदर कनकेव के साथ अपवर्ड लगा था, अब कनकेव के साथ डाउनवर्ड आ जाएगा और कन्वेक्स के साथ अपवर्ड हो जाएगा। और डेफिनेशन को ध्यान से पकड़ लो, सारी की सारी सेम रहेगी, जहां पर अबव था वहां पर बिलो आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। अब इसके अंदर जो आपकी कर्व होगी राजे वो इस प्रकार से होगी कुछ भी, और जहां पर कोई भी पॉइंट पकड़ कर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपका इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कर्व जहाँ पर यदि आप मान लेते हो कि आपने कुछ फ्रेम कंसीडर करना, ये फ्रेम है और ये पॉइंट मान लो आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो इन दो पॉइंट के अंदर जब आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपका क्या करता है, टेंजेंट आपका ऊपर आता है लेकिन जो कर्व है वो नीचे आती है। कर्व के ऊपर जितने भी आप पॉइंट टारगेट करोगे वो सारे के सारे बिलो द टेंजेंट होंगे, तो इस प्रकार की कर्व को गिवन इंटरवल के अंदर हम क्या बोलेंगे, कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड बोलेंगे। तो ये आपका सेकंड डेफिनेशन रहेगी। तो ये हमारी दो कैटेगरी थी, तो ध्यान से समझना, सिंपल एक डायग्राम के आराम से आपको हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो कर्व इस प्रकार से भी होती है, ठीक है, जहाँ पर कोई पॉइंट लो और जो आपका टेंजेंट रहता है तो सारे पॉइंट इसके नीचे लाई करते हैं, ठीक है, कुछ भी आप इस प्रकार से टेंजेंट ड्रॉ कर लो सारे पॉइंट इसके नीचे लाई करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है।
फिकर मत करना, इसके एग्जांपल भी करेंगे कि कैसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बेहतरीन पॉइंट है जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। अब ऑलवेज तो ऐसा नहीं होगा कि सारे की सारे कर्व जहाँ तो नीचे होगी जहाँ फिर ऊपर होगी, क्या सारे पॉइंट कर्व के ऊपर ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जा तो नीचे आएंगे जा ऊपर, ऐसा नहीं होता। कुछ कर्व्स ऐसे भी होते जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। मान लो कैसी, आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले डेफिनेशन करते हैं ये कैसे पॉइंट होते हैं। अ पॉइंट ऑन द कर्व, हमारे पास कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट इज सेट टू बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कहेंगे, इफ़ द कर्व क्रॉसिस द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब इन दो केसेस के अंदर देख लो, आपकी कर्व ने, जो आपकी कर्व थी जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पॉइंट के ऊपर, आपकी कर्व क्रॉस नहीं करती, टेंजेंट को क्रॉस नहीं करती। टेंजेंट जा तो ऊपर रहता है जहाँ नीचे रहता है, वो टच जरूर करती है तभी तो टेंजेंट है, लेकिन क्रॉस करने की हिम्मत जहाँ पर उसके अंदर नहीं है इन दोनों चीज़ों के अंदर। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर डेफिनेशन ही चेंज हो गई, जहाँ पर इफ़ द कर्व क्रॉसिस द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस दिए हुए पॉइंट के ऊपर यदि आपकी कर्व क्रॉस कर जाती है टेंजेंट को, तो उसको हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जहाँ फिर अनदर क्या है हमारे पास, दैट इज कि टू पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन द टू साइड ऑफ पी लाई ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कि आपके पास एक एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, हमारे पास ये फ्रेम हमने सेट कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और कैसी हमारे पास हो सकती है, मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार से कर्व होगी, इस प्रकार से कर्व। यदि आप इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, मतलब इस पॉइंट के ऊपर यदि आप एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस प्रकार से, तो ये एक पॉइंट था। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, टेंजेंट तो नहीं बोल सकते हम यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस इधर टेंजेंट डेट पॉइंट। आपने टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करी तो टेंजेंट तो वही होता जो एक पॉइंट पर ऊपर टच करता आपकी कर्व को। तो हुआ क्या कि इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया कि आपकी जो कर्व है जहाँ पर नीचे थी तो इसने क्रॉस करके अपवर्ड चली गई, उस टेंजेंट को क्रॉस करके अपवर्ड चली गई और इधर डाउनवर्ड चली गई, दो पार्ट बन गए इसके। जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी यही कह रहे हैं कि टू पोर्शन ऑफ द कर्व आपके दो पोर्शन बन जाएंगे ऑन टू साइड। यदि ये पॉइंट हमारा पी है तो इसके एक राइट में चला जाएगा, इसके एक लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमारे पास तीन डेफिनेशन थी। तो अब अच्छे से डेफिनेशन को माइंड के अंदर रिवाइज करो, एक एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से जिसके अंदर हम सब कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो करने से पहले उसका वर्किंग रूल मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारे पास अच्छे से दिया हुआ है, और उस वर्किंग रूल के हेल्प के साथ हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहले जी डेफिनेशन अच्छे से करते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल करने से पहले उनका जो वर्किंग मेथड है वो समझ लेते हैं कि हमने करना क्या है। मैथ्स में सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वर्किंग मेथड होता है, सेम कोई भी एग्जांपल दी होगी उसके अंदर हमने सेट करनी है और वो अपने आप हमारे पास आंसर आ जाता है, ज़्यादा माइंड के ऊपर बर्डन नहीं रहता। तो चलिए इनके वर्किंग रूल देखते हैं क्या रहेंगे। तो सबसे पहला वर्किंग रूल हम चेक करेंगे कि हमने फाइंड आउट करना, सबसे पहले वाला हम करेंगे वर्किंग रूल टू फाइंड कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व इन एन इंटरवल। आपने कनकेव अपवर्ड करना है या फिर कनकेव डाउनवर्ड करना है, तो उसके लिए स्टेप रहते हैं। कर्व आपको दी होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले राजी आप फाइंड आउट करेंगे डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स का हमने फाइंड आउट करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। नंबर टू हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, हमने वो इंटरवल फाइंड करनी है ए बी, ठीक है, फाइंड करेंगे फोर बीच हमारा जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है जे वाला वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। तो इस इंटरवल को आप क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर दिस इंटरवल इज ऑफ बीइंग कनकेव अपवर्ड। तो ये आपकी हेयर, आपकी जो ए कमा बी होगी वो क्या होगी, कनकेव, ठीक है, ये आपकी कनकेव अपवर्ड, जिसको आप कन्वेक्स डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये आपका रहेगा कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड के लिए कि हमने इंटरवल कैसे फाइंड करनी है, डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो रख के, वहाँ से एक्स की जो वैल्यूज आएंगी इंटरवल वो हमारी कौन सी होगी, कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड की होगी। थर्ड स्टेप, यदि हम फाइंड करना चाहते हैं, यदि हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमें कनकेव डाउनवर्ड फाइंड करना है, डाउनवर्ड, ठीक है, और कन्वेक्स अपवर्ड, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव
लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो भी आपके पास इंटरवल बनकर आएंगी वो कौन सी होगी, वो आपकी कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड होगी। तो वर्किंग रूल के अंदर मैंने तीन स्टेप बताए कि हमने डबल डेरिवेटिव तो निकालना है, यदि हम कनकेव अपवर्ड करना चाहते हैं जिसको हम कन्वेक्स डाउनवर्ड बोलते हैं, तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा, तो वहाँ से जो भी इंटरवल आएगी वो हमें रिजल्ट देगी। और यदि हम फाइंड करना चाहते हैं कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड जिसको कहते हैं, उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव को लेस देन जीरो करना पड़ेगा, और वहाँ से जो इंटरवल आएगी वो हमें जी रिजल्ट देगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, वो वर्किंग रूल भी आज ही हम सीख लेते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास होता है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल बन जाते हैं आपके लिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए भी आपका स्टेप नंबर वन तो वही रहेगा कि हमने डबल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। एंड नंबर टू, हेयर हमें क्या करना, पुट करना डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो, ठीक है, और डज नॉट एग्जिस्ट, और डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। हमें वो फाइंड पॉइंट फाइंड करने हैं, हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं, हमें कौन से पॉइंट फाइंड करने हैं, हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिनके लिए जा तो डबल डेरिवेटिव जीरो रहे, या फिर नॉट एग्जिस्ट करे। अब नॉट एग्जिस्ट तो तभी आएगा जब आपका डबल डेरिवेटिव मान लो डिनोमिनेटर में कुछ है, और आप डिनोमिनेटर आपका जीरो बन जाए तो जो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो हमने वो वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स की, मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिनके लिए डबल डेरिवेटिव आइदर जीरो हो या फिर आपका डज नॉट एग्जिस्ट। अब मान लो आपकी वो एक्स की वैल्यू अल्फा आ जाती है, ठीक है, मान लो कि एक्स की वैल्यू हमारे पास अल्फा आ जाती है, विच इम्प्लाइज दिस और दिस, आपको इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट दे रही है। अब उसके बाद क्या होगा, अब इस वैल्यू को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कहेंगे, तो ये हमारी कब होगी, इट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट विल बी दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होगा, इफ आपने क्या करना है, ट्रिपल डेरिवेटिव देखना है, और ट्रिपल डेरिवेटिव आपका कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू अल्फा के ऊपर। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए डबल डेरिवेटिव जीरो है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, उस वैल्यू को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब कंसिडर कर पाएंगे यदि उसके लिए हमारा जो ट्रिपल डेरिवेटिव है उसका भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आ जाए। तो ये छोटा सा काम रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम वर्किंग रूल करने वाले हैं। अब ये तो हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था इसके ऊपर, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। तो वर्किंग रूल अच्छे से समझ लो, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल करेंगे, और वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। हम फाइंड करेंगे फाइंड दी वैल्यूज, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फाइंड दी वैल्यूज, हम फाइंड दी वैल्यूज करेंगे ऑफ एक्स करेंगे फोर बीच, आपके पास दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स की पावर थ्री एंड प्लस ट्वेल्व एक्स की स्क्वेयर है और प्लस फाइव एक्स है और प्लस सेवन। हमने क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फोर बीच इज कनकेव अपवर्ड, कनकेव बोल रहे कनकेव अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो और डाउनवर्ड्स, और साथ में हमने क्या करना, ऑल्सो डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स का काम क्या, आप एक्टिव रहो, इसको कर लो जितना आपने अभी तक करा है, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, आपको वो लिंक जल्दी मिल जाएगी। और यदि आपने ये वीडियो देख ली है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, और उसके अंदर हम प्रॉपर मेथड करेंगे कैसे हमने इंटरवल फाइंड करने होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड लक टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।